हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो हम लोग प्लॉट लेविस्ट्रॉस के कॉन्सेप्ट कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। हम लोग कल क्लॉड लेविस्ट्रॉस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था, उसी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं आज। क्लॉड लेविस्ट्रॉस के जो भी कॉन्सेप्ट बच गए थे उसको कंप्लीट करते हैं आज, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएच मीट, जॉर्ज हर्बर्ट मीट। जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में, उनको आप बोल सकते हैं मेरा रिफरल कोड यूज करने के लिए, जो कि है अलीम 10, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये रेफरल कोड ऑल कोर्सेज के लिए अप्लाई होता है। फिलर फॉर्म के जितने भी कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज के लिए ये रेफरल कोड अप्लाई होता है। तो कोई भी अगर यूज करना चाहता है, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है फिलर फॉर्म को, तो ये रेफरल कोड उनको आप दे सकते हैं। और हमारी डेली क्लासेस 3 PM पे होती हैं। इनकेस अगर 3 PM पे क्लास नहीं हो पाएंगी तो 8 PM पे क्लास होंगी। तो क्लॉड लेविस्ट्रॉस पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। कल हम लोगों ने पार्ट 1 किया है, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किए हैं, जैसे अलायंस थ्योरी हो गई। एक मिनट, अलायंस थ्योरी है और फिनोम्स, ये ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल किए थे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं, और इंसेस्ट टबू जैसे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल कंप्लीट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज 3 किनशिप स्ट्रक्चर। क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने किनशिप स्ट्रक्चर की बात की है, जिसमें उन्होंने बात किया है कि 3 किनशिप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, 3 रिश्तेदारी संरचनाओं के बारे में बात किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने। तो आपको बस इतना ही बताना है, जो भी आपके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कि विच आर द 3 किनशिप स्ट्रक्चर्स डिस्कस बाई टॉलकॉट क्लॉड लेविस्ट्रॉस। So it is elementary, semi-complex and complex. तो ये 3 किनशिप स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं क्लॉड लेविस्ट्रॉस। सबसे पहला स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री, दूसरा है semi-complex और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। 3 रिश्तेदारी संरचनाओं की बात करते हैं क्लॉड लेविस्ट्रॉस, जिसमें पहला आता है प्राथमिक, दूसरा आता है अर्ध जटिल और तीसरा आता है जटिल। तो ये 3 रिश्तेदारी संरचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 3 रिश्तेदारी संरचनाओं के बारे में क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने बात किया है। तो सबसे पहले आता है प्राथमिक, उसके बाद आता है अर्ध जटिल, उसके बाद आता है जटिल। ठीक, एलिमेंट्री, सेमी कॉम्प्लेक्स एंड देन कॉम्प्लेक्स। 3 टाइप ऑफ एक्सचेंज की बात किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने। 3 टाइप ऑफ एक्सचेंज की बात किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने। 3 प्रकार के आदान प्रदान की बात किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने। अब ये 3 प्रकार के आदान प्रदान कौन से होते हैं वो देखेंगे हम लोग। 3 टाइप ऑफ एक्सचेंज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला इसमें आता है एक्सचेंज ऑफ वीमेन। कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ वीमेन। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और तीसरा है एक्सचेंज ऑफ वर। एक्सचेंज ऑफ वीमेन, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एंड एक्सचेंज ऑफ वर, महिलाओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान और तीसरा है शब्दों का आदान प्रदान। ये 3 तरह के आदान प्रदान की बात किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने।
महिलाओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान और शब्दों का आदान प्रदान। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ वुमेन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ वुमेन क्या होता है, महिलाओं का आदान प्रदान क्या होता है। तो रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज एंड जनरलाइज एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ऑफ वुमेन में दो टाइप के एक्सचेंज की बात किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने, एक है रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज और दूसरा है जनरलाइज एक्सचेंज। ठीक, महिलाओं के आदान प्रदान में दो तरह के आदान प्रदान की बात किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने, एक है प्रतिबंधित विनिमय और दूसरा है समानवीकृत विनिमय, यानी कि समानवीकृत आदान प्रदान और प्रतिबंधित आदान प्रदान। तो ये आपको याद रखना है कि क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने थ्री टाइप के एक्सचेंज की बात किया है, एक्सचेंज ऑफ वुमेन, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, एक्सचेंज ऑफ वर्ड। एक्सचेंज ऑफ वुमेन में दो तरह की बात किया उन्होंने, दो प्रकार की, दो टाइप्स की बात किया है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज एंड जनरलाइज एक्सचेंज। तीन प्रकार के आदान प्रदान की बात किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने, महिलाओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान, शब्दों का आदान प्रदान। ठीक, उसके बाद महिलाओं के आदान प्रदान को भी उन्होंने दो भागों में बांटा है, एक है प्रतिबंधित आदान प्रदान और दूसरा है समानवीकृत आदान प्रदान। स्ट्रक्चर्स ऑफ टोटेमिज्म, टोटेमिज्म की भी बात करते हैं ये, स्ट्रक्चर्स ऑफ टोटेमिज्म। ठीक, अब ये आपको बताना है कि टोटेमिज्म की बात और कौन करता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टोटेमिज्म, कुल देवता की संरचना। ठीक, सो लेविस्ट्रॉस डिस्टिंग्विशेस फोर काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड कल्चर विद इन टोटेमिज्म। तो लेविस्ट्रॉस जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं चार अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप के बारे में, जो कि किसके बीच में है, बिटवीन नेचर एंड कल्चर विद इन टोटेमिज्म। टोटेमिज्म में नेचर और कल्चर के बीच में चार तरह की रिलेशनशिप होती है, इसकी बात किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने। स्ट्रक्चर ऑफ टोटेमिज्म में लेविस्ट्रॉस डिस्टिंग्विशेस फोर काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड कल्चर विद इन टोटेमिज्म। कुल देवता की संरचना में लेविस्ट्रॉस ने कुल देवता के भीतर प्राकृतिक और संस्कृति के बीच में चार प्रकार के संबंधों को प्रतिष्ठित किया है, यानी कि संस्कृति और प्रकृति के बीच में क्या संबंध होते हैं इसके बारे में लेविस्ट्रॉस ने कुल देवता के चार प्रकार बताए। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है अ स्पेसीज ऑफ एनिमल आर प्लांट आइडेंटिफाइड विद अ पार्टिकुलर ग्रुप। कोई भी एक स्पेसीज या एनिमल को एक पार्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा मान लिया जाता है। ठीक, जैसे अलग अलग टोटेम होते हैं। ठीक, टोटेम क्या है, एक तरह का और रिलीजन की तरह है, मान्यताएं होती हैं इसमें। ठीक, कुल देवता मानते हैं, तो यहाँ पे क्या है, किसी स्पेसीज को मान लेंगे या किसी एनिमल्स को मान लेंगे, वो एक ग्रुप का ही माना जाएगा। ठीक, हर ग्रुप का एक अलग एनिमल होता है, हर ग्रुप का एक अलग स्पेसीज होता है। तो अ स्पेसीज ऑफ एनिमल आर प्लांट आइडेंटिफाइड विद अ पार्टिकुलर ग्रुप। कोई भी स्पेसीज, चाहे वो एनिमल की स्पेसीज हो चाहे प्लांट की स्पेसीज हो, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एक पार्टिकुलर ग्रुप के साथ, यानी कि वो उस ग्रुप का कौन सा स्पेसीज होगा ये उस ग्रुप के लिए तय होता है। ठीक, तो पहला टाइप ये हो गया, स्पेसीज ऑफ एनिमल आर प्लांट आइडेंटिफाइड विद अ पार्टिकुलर ग्रुप, किसी विशेष समूह के साथ पहचाने जाने वाले जानवर या पौधे की प्रजाति। So, एक विशेष समूह के साथ कोई भी पहचाने जाने वाले जानवर या पौधे की प्रजाति जुड़ी हुई होती है, यानी कि हर विशेष ग्रुप का, हर विशेष समूह का एक पार्टिकुलर एक पहचान, उसकी पहचान क्या होती है, जानवर से होती है या एक पौधे से होती है, ये समझना। ठीक, दूसरा क्या है, अ स्पेसीज ऑफ एनिमल आर प्लांट आइडेंटिफाइड विद एन इंडिविजुअल। दूसरा क्या है, एक स्पेसीज या प्लांट जो है जो एक सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही आइडेंटिफाई करता है, यानी कि आप एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे तो उससे रिलेटेड कौन सा प्लांट है या कौन सा एनिमल है वो आपको पता होता है, उसकी पहचान ही वही एनिमल और वही प्लांट होता है। ठीक, सो पहला तो है कि पूरे पूरे ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप, दूसरा क्या है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ आइडेंटिफाई कर। अ स्पेसीज ऑफ एनिमल आर प्लांट आइडेंटिफाइड विद इन एन इंडिविजुअल, एक स्पेसीज या प्लांट को किसी एक इंडिविजुअल के साथ जब आप जोड़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये दूसरा टाइप हो जाता है टोटेमिज्म का, किसी व्यक्ति के साथ पहचाने जाने वाले जानवर या पौधों की प्रजाति। तो पहला तो है समूह के साथ पहचाने जाने वाले जानवर या पौधों की प्रजाति, दूसरा है
किसी एक व्यक्ति के साथ पहचाने जाने वाले जानवर या समूह की प्रजाति। तीसरा टाइप क्या है? अ पार्टिकुलर एनिमल आर प्लांट आइडेंटिफाइड विद एन इंडिविजुअल एंट। अ पार्टिकुलर एनिमल आर प्लांट आइडेंटिफाइड विद ग्रुप। ठीक, अब यहाँ पे एक पार्टिकुलर एनिमल है। जब आप स्पेसीज की बात करते हैं तो स्पेसीज में वो सारे चीजें आ जाती हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, और सारे एनिमल्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे स्पेसीज लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे दोनों जगह पे पार्टिकुलर लिखा हुआ है। स्पेसीज और पार्टिकुलर में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं कहूँ कि एक पार्टिकुलर ग्रुप के साथ काउ को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, यानी कि गाय को आइडेंटिफाई किया जा रहा है एक पार्टिकुलर ग्रुप के साथ। ठीक, गाय को एक पहचान माना जा रहा है किसी एक ग्रुप का, तो अब कोई भी गाय होगी वो उस ग्रुप की पहचान होगी। ठीक, कोई भी गाय होगी मतलब गाय जितनी भी है दुनिया में सब उसी ग्रुप की पहचान मानी जाएंगी। ठीक, गाय जो है जितनी भी गाय होंगी वो सारी उसी ग्रुप के की पहचान मानी जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक पूरी स्पीसीज को आप ले रहे हैं। या प्लांट की बात करें तो, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो कोई भी आप प्लांट ले सकते हैं। सपोज करिए नीम ले लेते हैं अगर आप, तो वो नीम जो है वो पूरे ग्रुप का जितने भी नीम के पौधे आपको, पेड़ आपको दिखेंगे, वो सारी जो है उसी ग्रुप के लिए होंगे, क्योंकि ये पूरी स्पीसीज की पहचान बना रहे। ठीक, पूरे स्पीसीज जो है उस ग्रुप की पहचान बना रहे। ठीक, अब यहाँ पे पार्टिकुलर से रिलेटेड क्या है, एक जैसे एक काउ है तो जिस काउ को आपने आइडेंटिफाई किया कि ये इस ग्रुप की आइडेंटिटी होगी या ये इस इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होगी, सो ये क्या हो गया, ये वही काउ जिस काउ की आप बात कर रहे हैं, तो उसका रंग क्या है, ठीक, या उसका नाम क्या है, उससे आप उसकी पहचान करेंगे। ठीक, उससे आप उसकी पहचान करेंगे। तो यहाँ पे पार्टिकुलर मतलब सिर्फ एक गाय, सारी गायें जो है उस ग्रुप की या उस इंडिविजुअल की पहचान नहीं होगी, बल्कि उस एक जिसको तय किया गया है। ठीक, सो पार्टिकुलर और स्पेसीज में ये डिफरेंस है। अ पार्टिकुलर एनिमल आर प्लांट आइडेंटिफाइड विद एन इंडिविजुअल एंड अ पार्टिकुलर एनिमल आर प्लांट आइडेंटिफाइड विद अ ग्रुप। ठीक, सो दो में क्या है, स्पेसीज ऑफ एनिमल आर प्लांट है, और दो में क्या है, पार्टिकुलर एनिमल आर प्लांट है। दोनों में एक बार ग्रुप आएगा और एक बार इंडिविजुअल आएगा। एक विशेष जानवर या पौधे एक व्यक्ति के साथ पहचाना जाता है। एक विशेष जानवर या पौधा जो है किसी एक व्यक्ति के साथ पहचाना जाता है। और दूसरा क्या है, चौथा क्या है, एक समूह के साथ पहचाना जाने वाला एक विशेष जानवर या पौधा होता है। ठीक, तो यहाँ पे विशेष हो गया, वही विशेष जो एक पौधा है। ठीक, उसी पौधे के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सो ये चार टाइप के टोटेमिज्म की बात किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है द क्यूलिनरी ट्राइंगल्स। क्यूलिनरी ट्राइंगल क्या होता है, द क्यूलिनरी ट्राइंगल इज अ कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब बाय फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड लेविस्ट्रॉस। तो ये क्यूलिनरी ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने डिस्कस किया है, किसने डिस्क्राइब किया है, क्लॉड लेविस्ट्रॉस। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि हु डिस्क्राइब द क्यूलिनरी ट्राइंगल, इट इज क्लॉड लेविस्ट्रॉस। ठीक, इन्वॉल्विंग थ्री टाइप ऑफ कुकिंग। यहाँ पे इसमें क्या चीजें होती हैं, तीन तरह की कुकिंग होती है। ठीक, तीन तरह की कुकिंग होती है। पहला क्या है, बॉइलिंग, आप किसी चीज को बॉइल करके उसको पकाते हैं। दूसरा है रोस्टिंग, आप उसको रोस्ट करके। ठीक, और तीसरा है स्मोकिंग, उसको उसमें धुआं लगा के आप उसको पकाते हैं। ठीक, तो ये तीन तरह से पकाए जाते हैं, यूजुअली डन टू मीट। मीट के साथ ऐसा होता है, मीट को या तो बॉयल किया जाता है या रोस्ट किया जाता है या उसको उसको स्मोकिंग के जरिए पकाया जाता है। ठीक, तो इसी को, ये तीन जो है बन रहे हैं, इसी को क्यूलिनरी ट्राइंगल कहा जाता है। ठीक, सो द क्यूलिनरी ट्राइंगल इज अ कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब बाय फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड लेविस्ट्रॉस इन्वॉल्विंग थ्री टाइप ऑफ कुकिंग, बॉयलिंग, रोस्टिंग एंड स्मोकिंग, यूजुअली डन टू मीट। पाक कला चित्रकोण क्या है, पाक कला चित्रकोण क्या है, पाक कला चित्रकोण फ्रांसीसी मानव विज्ञानी क्लॉड लेविस्ट्रॉस द्वारा वर्णित किया गया की गई एक अवधारणा है, जिसमें तीन प्रकार के खाना पकाने शामिल हैं, यानी कि खाना तीन तरह से
पकाया जाता है, इसी को कहा जाता है पाक कला त्रिको। तो जिसमें सबसे पहले आता है उबालना। आप खाने को कैसे पकाते हैं? उबालते हैं, खाने को या तो आप भूनते हैं, और तीसरा क्या है? धूम्रपान, यानी कि उसके अंदर धूम्रपान करके आप उसको पकाते हैं। आमतौर पर मांस के लिए किया जाता है ये। आमतौर पे किसके लिए किया जाता है? मांस के लिए किया जाता है। सो पाक कला त्रिकोण फ्रांसीसी मानव विज्ञानी क्लॉड लेविस्ट्रॉस द्वारा वर्णित एक अवधारणा है, जिसमें तीन प्रकार के खाना पकाने शामिल हैं: उबालना, भूनना, धूम्रपान करना। आमतौर पर मांस के लिए किया जाता है। तो ये तीन तरह के तरीके बताए उन्होंने जिसको पाक कला त्रिकोण कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, क्यूलिनरी ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे क्या है? ग्रिल्ड रोस्टेड है। फिर यहाँ पे क्या है? स्मोक है, वाइल्ड है। कुक्ड रॉटन रॉ, कुक्ड रॉटन रॉ। स्टडीड नंबिक वारा फाहिब ट्राइब्स, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हु स्टडीड नंबिक वारा फाहिब ट्राइब? सो इट इज क्लॉड लेविस्ट्रॉस। तो इन्होंने कहाँ पे स्टडी किया है? नंबिक वारा फाहिब ट्राइब की स्टडी किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने। ठीक, नंबिक वारा फाहिब जनजातियों का अध्ययन किसने किया है? क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने किया है। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहते हैं क्लॉड लेविस्ट्रॉस? दैट सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट अ फील्ड ऑफ स्टडी। आप सोशल स्ट्रक्चर को अपना फील्ड ऑफ स्टडी नहीं बना सकते, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी है ही नहीं, ये क्लॉड लेविस्ट्रॉस कहते हैं। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हु सेड दैट सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी और फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक, सामाजिक संरचना अध्ययन का क्षेत्र नहीं है, ये किसने कहा था? क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने कहा था। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो भी सामाजिक संरचनाएं हैं उसके ऊपर आप अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अध्ययन का क्षेत्र ही नहीं है। ठीक, इट इज नॉट अ प्रोविंस ऑफ इंक्वायरी, ये क्या कहते हैं? इट इज नॉट अ प्रोविंस ऑफ इंक्वायरी, ये मतलब अध्ययन का क्षेत्र नहीं है, ये जांच का प्रांत नहीं है। ठीक, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर की आप स्टडी नहीं कर सकते, सिंपली यही बात है कि सामाजिक संरचना का अध्ययन आप नहीं कर सकते हैं, ये किसने कहा था? क्लॉड लेविस्ट्रॉस। ह्यूमन माइंड स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सली, ये भी कहा था क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने कि ह्यूमन माइंड का जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन माइंड को जो स्ट्रक्चर्ड किया जाता है वो यूनिवर्सली किया जाता है। ठीक, यूनिवर्सली यानी कि वर्ल्ड लेवल पे किया जाता है। ह्यूमन माइंड इज स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सली, मानव मन सार्वभौमिक रूप से संचरित है। ठीक, मानव माइंड जो है, मानव मन जो है वो सार्वभौमिक रूप से संचरित है। तो ये एक एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम, इसीलिए ये एक एक लाइन मेंशन की हुई है। ठीक, तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हु स्टडीड नंबिक वारा फाइव ट्राइब, तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने। दूसरा, हु सेड दैट सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट अ फील्ड ऑफ स्टडी और प्रोविंस ऑफ इंक्वायरी, तो ये भी क्लॉड लेविस्ट्रॉस का है। ठीक, कि सामाजिक संरचना जो है जांच का प्रांत नहीं है या अध्ययन का क्षेत्र नहीं है, ये किसने कहा था? तो क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने। और उसके बाद का क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन माइंड इज स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सली, ये भी किसने कहा था? तो ये क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने कहा। मानव मन सार्वभौमिक रूप से संचरित है, ये भी क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने कहा था। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी भी क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने डिस्कस किया है। तो क्लॉड लेविस्ट्रॉस किससे रिलेटेड है? स्ट्रक्चरेशन थ्योरी से, ये आपको याद रखना है। क्लॉड लेविस्ट्रॉस जो है वो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी से रिलेटेड है। क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। क्लॉड लेविस्ट्रॉस जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं क्लॉड लेविस्ट्रॉस। नंबिकवारा फाहिब ट्राइब का एरिया क्या है देखना पड़ेगा मुझको।
देख लीजिएगा आप लोग गूगल पे, क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन वो ऐसा एरिया कभी नहीं पूछा गया आज तक, इसीलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है वो। क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, आधुनिक सभ्यता की ये आलोचना करते हैं क्लॉड लेविस्ट्रॉस। इन्होंने स्टडी किया है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए, दो तीन बार आई थिंक हम लोग अगर PYQ देखेंगे तो दो तीन बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हु स्टडीड मैरिड और अनमैरिड वुमेन इशूज थ्रू ग्राफिकल मेथड। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं कि हु स्टडीड मैरिड और अनमैरिड वुमेन इशूज थ्रू ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के जरिए किसने मैरिड और अनमैरिड वुमेन की स्टडी किया है, मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन के इशूज की स्टडी किया है ग्राफिकल मेथड के जरिए, तो इट इज क्लॉड लेविस्ट्रॉस। चित्रात्मक पद्धति के माध्यम से विवाहित और अविवाहित महिलाओं के मुद्दों का अध्ययन किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि किसने जो है चित्रात्मक पद्धति के माध्यम से विवाहित और अविवाहित महिलाओं के मुद्दों का अध्ययन किया है, सो इट इज क्लॉड लेविस्ट्रॉस। फ्लोटिंग सिग्निफायर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है क्लॉड लेविस्ट्रॉस का। इसका क्या मतलब होता है, फ्लोटिंग सिग्निफायर का क्या मतलब होता है? क्लॉड लेविस्ट्रॉस एग्जेम्प्लीफाइज द फ्लोटिंग सिग्निफायर विथ नोशन ऑफ मना। ठीक, मन जिसको कहते हैं, ठीक, मन के नोशन से ही इसको फ्लोटिंग सिग्निफायर को एग्जेम्प्लीफाई किया है। ठीक, समथिंग सो जनरल दैट इज द मोस्ट डाइवर्स ऑफ सिग्निफायर। कोई चीज जो बहुत ज्यादा जनरल है, जो बहुत ज्यादा आम है, दैट इज द मोस्ट डाइवर्स सिग्निफायर। ठीक, द सब्सटेंस ऑफ विच मैजिक माइथिक एंड एस्थेटिक इन्वेंशन इज फॉर्म। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके जरिए मैजिक बनता हो, माइथिक बनता हो या एस्थेटिक इन्वेंशन होता हो, उसी को इन्होंने फ्लोटिंग सिग्निफायर कहा है। ठीक, जिसके जरिए मैजिक बनता हो, माइथिक बनता हो, यानी कि जो जादू टोना जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें बनती हों, तो उसी को इन्होंने फ्लोटिंग सिग्निफायर कहा है। क्लॉड लेविस्ट्रॉस एग्जेम्प्लीफाइज द फ्लोटिंग सिग्निफायर विद द नोशन ऑफ मना, something so general that is the most diverse of signifiers, the substance of which magic, mythic and aesthetic invention is formed. Floating हस्ताक्षरकर्ता क्या होता है? Claude Lévi-Strauss मन की धारणा के साथ floating signifier का उदाहरण देते हैं। ठीक, so Claude Lévi-Strauss मन की धारणा के साथ floating signifier का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि ये इतना सामान्य है कि सिग्निफायर का सबसे विविध है। ठीक, वो ये ऐसा पदार्थ है जिससे जादू, मिथक और सौंदर्य आविष्कार बनता है। ठीक, इसी के जरिए फ्लोटिंग सिग्निफायर के जरिए ही जादू बनता है, मिथक बनता है या सौंदर्य आविष्कार होता है। ठीक, लैंग्वेज एंड पैरोल के बारे में बात किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने लैंग्वेज एंड पैरोल के बारे में भी बात किया है। क्लॉड लेविस्ट्रॉस एड्स अ न्यू एलिमेंट्स टू सॉसर्स लैंग्वेज एंड पैरोल। तो ये ओरिजिनली कॉन्सेप्ट किसका है लैंग्वेज एंड पैरोल का? ये सॉसर्स का है। ठीक, सॉसर का है ये लैंग्वेज एंड पैरोल, इसी में ही वो एक नया एलिमेंट एड करते हैं क्लॉड लेविस्ट्रॉस। ठीक, सो क्लॉड लेविस्ट्रॉस एड अ न्यू एलिमेंट्स टू स्ट्रक्चर्स लैंग्वेज एंड पैरोल, पॉइंटिंग आउट दैट लैंग्वेज बिलोंग टू व्हाट ही कॉल्स रिवर्सिबल। ये कहते हैं लैंग्वेज क्या है जो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल किसको कहते हैं? जिसको आप वापस ले सकते हैं। ठीक, जिसको आप दोबारा वापस ला सकते हैं। ठीक, रिवर्सिबल टाइम। ठीक, तो इन्होंने लैंग्वेज को क्या कहा है कि ये रिवर्सिबल टाइम है एंड पैरोल क्या है? नॉन रिवर्सिबल टाइम है। ठीक, ये ऐड करते हैं क्लॉड लेविस्ट्रॉस लैंग्वेज एंड पैरोल। ठीक, लेविस्ट्रॉस एड अ न्यू एलिमेंट टू सॉसर्स लैंग्वेज एंड पैरोल, पॉइंटिंग आउट दैट लैंग्वेज बिलोंग टू व्हाट ही कॉल्स रिवर्सिबल टाइम एंड पैरोल टू नॉन रिवर्सिबल टाइम। लेविस्ट्रॉस सॉसर के लैंग्वेज एंड पैरोल में एक नया तत्व जोड़ते हैं। ये इंगित करता है कि लैंग्वेज रिवर्सिबल टाइम से संबंधित है और पैरोल नॉन रिवर्सिबल टाइम से संबंधित है। रिवर्सिबल टाइम यानी कि जिसको वापस लाया जाने वाला समय, और नॉन रिवर्सिबल टाइम वापस ना लाने लायक समय।
रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा किसको कहते हैं। तो भाषा सिंपली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भाषा लैंग्वेज एंड पैरोल से पूछा जाता है। तो लैंग्वेज क्या है? रिवर्सिबल टाइम। और पैरोल क्या है? नॉन रिवर्सिबल टाइम। ही मीन्स दैट पैरोल एज अ स्पेसिफिक इंस्टांस आर एग्जाम्पल आर इवेंट कैन ओनली एग्जिस्ट इन लीनियर टाइम विच इज अनडायरेक्शनल, यू कांट टर्न द बैक टर्न द क्लॉक। तो ये कहते हैं पैरोल क्या है कि एक ऐसा स्पेसिफिक इंस्टांस है, एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा इवेंट है, कोई एक इवेंट है, कोई एग्जाम्पल है, कोई इंस्टांस है जो सिर्फ एक बार होता है, एग्जिस्ट इन लीनियर टाइम। लीनियर टाइम मतलब जो चलता हुआ टाइम है उसी में होता है, ठीक, एक लाइन में चलता हुआ टाइम। अब ये लाइन जो है लीनियर लाइन किसको कहते हैं? जिसकी एक तरफ एरो होती है, यानी कि ये दोनों तरफ नहीं हो सकता, वापस नहीं आ सकता, ठीक, इसी को लीनियर कहा जाता है। तो लीनियर टाइम मतलब ये किसी टाइम में होता है जिसको आप वापस नहीं आ सकते, ठीक। सो एग्जाम्पल आर इवेंट कैन ओनली एग्जिस्ट इन लीनियर टाइम विच इज अनडायरेक्शनल, जो यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है। यू कांट टर्न द क्लॉक, आप क्लॉक को दोबारा नहीं चला सकते। यू कांट टर्न द क्लॉक मतलब आप उसको वापस नहीं ला सकते, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि आप उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक। ही मीन्स दैट पैरोल एज अ स्पेसिफिक इंस्टांस आर एग्जाम्पल ऑफ इवेंट कैन ओनली एग्जिस्ट इन लीनियर टाइम विच इज यूनिडायरेक्शनल, यू कांट टर्न द क्लॉक। उनका मतलब है कि पैरोल एक विशिष्ट उदाहरण है या उदाहरण है या घटना के रूप में केवल रैखिक समय में ही मौजूद होता है, कोई एक घटना, कोई एक उदाहरण जो केवल एक रैखिक समय में ही मौजूद होता है, जो कि यूनिडायरेक्शनल है यानी कि एक पात्र वाला है। एक पात्र वाला है यानी कि एक ही रास्ते वाला है, ठीक, आप समय को नहीं बदल सकते यानी कि आप उसको वापस नहीं ला सकते, उसको दोबारा नहीं ला सकते। जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा कि पैरोल जो है वो नॉन रिवर्सिबल टाइम, उसको वापस नहीं लाया जा सकता, ठीक। उसके बाद बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। क्लॉड लेविस्ट्रॉस की बुक कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आता है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप की बात क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने ही किया है, तो आपको इससे ही अंदाजा हो जाता है कि ये किसकी बुक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप किसकी बुक है? क्लॉड लेविस्ट्रॉस की। ये पब्लिश हुई थी 1949 में। अ वर्ड ऑन द वेन 1955 में पब्लिश हुई थी। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1958 में पब्लिश हुई थी। टोटेमिज्म 1962 में पब्लिश हुई थी। द साइवेज माइंड 1962 में पब्लिश हुई थी। माइथोलॉजी वॉल्यूम वन, माइथोलॉजी का वॉल्यूम वन क्या है? ये कुछ फ्रेंच लैंग्वेज है। एंड द रॉ एंड द कुक्ड, इसका मतलब होता है द रॉ एंड द कुक्ड। माइथोलॉजी वॉल्यूम वन का जो नाम है वो है द रॉ एंड द कुक्ड, 1964 में पब्लिश हुई थी। माइथोलॉजी वॉल्यूम टू, इसका नाम क्या है? ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। फ्रॉम हनी टू एशेस, फ्रॉम हनी टू एसेस, ये दूसरे वॉल्यूम का नाम है जो 1966 में पब्लिश हुई थी। माइथोलॉजी वॉल्यूम थ्री, ये इसका क्या नाम है? माइथोलॉजी वॉल्यूम थ्री का क्या नाम है? ये फ्रेंच लैंग्वेज में नाम है। फ्रेंच लैंग्वेज का नाम आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि तो कोई भरोसा नहीं है एनटीए का, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप देखे रहेंगे तब भी आपको याद है, ठीक। सो माइथोलॉजी वॉल्यूम थ्री का क्या नाम था? द ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर, वर्जिन ऑफ टेबल मैनर। अब आपको टेबल याद है, यहाँ पे भेज दी कि फ्रेंच में भी टेबल है, ठीक। उसके बाद माइथोलॉजी वॉल्यूम फोर का क्या नाम था? द नेक्स्ट मैन, द नेक्स्ट मैन 1971 में पब्लिश हुई थी। और वॉल्यूम थ्री जो है 1968 में पब्लिश हुई थी, ठीक। मिथ एंड मीनिंग, मिथ एंड मीनिंग कब पब्लिश हुई थी? 1978 में मिथ एंड मीनिंग पब्लिश हुई थी, ठीक। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी एंड मिथ जो है वो 1984 में पब्लिश हुई थी। एंथ्रोपोलॉजी एंड मिथ 1984 में पब्लिश हुई थी। तो ये सारी बुक के नाम आपको याद होने चाहिए।
देख लेते हैं हम लोगों ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट किए हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्लॉड लेविस्ट्रॉस पार्ट टू में हम लोगों ने सबसे पहले देखा है थ्री किनशिप स्ट्रक्चर, तीन रिश्तेदारी संरचनाएं, जिसमें आता है एलिमेंट्री, सेमी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स, प्राथमिक, अर्ध जटिल और जटिल। उसके बाद आता है थ्री टाइप ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ वीमेन, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, एक्सचेंज ऑफ वर्ल्ड, जिसमें वीमेन के एक्सचेंज में उन्होंने दो पार्ट्स बताए हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज एंड जनरलाइज एक्सचेंज। तीन प्रकार के आदान प्रदान की बात किया है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। सबसे पहले आता है महिलाओं का आदान प्रदान, उसके बाद वस्तुओं का आदान प्रदान, फिर आता है शब्दों का आदान प्रदान। महिलाओं के आदान प्रदान में दो तरह के आदान प्रदान की बात किया है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने, एक है प्रतिबंधित आदान प्रदान और दूसरा है समान्वीकृत आदान प्रदान। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ टोटेमिज्म की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि चार टाइप के टोटेमिज्म होते हैं। कुल देवता की संरचना में इन्होंने चार तरह की कुल देवता की बात किया है। द क्यूलिनरी ट्राइंगल, क्यूलिनरी ट्राइंगल के बारे में बात किया है कि ये क्या है, टाइप्स ऑफ कुकिंग है, जिसमें बॉइलिंग, रोस्टिंग एंड स्मोकिंग आता है, ये ज्यादातर मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाक कला त्रिकोण क्या है, ये मांस को पकाने का एक विधि है, एक तरीका है, जिसमें उबालना, भूनना और धूम्रपान करना शामिल होता है। ठीक, तो रॉ कुक्ड एंड रॉटन, ये ट्राइंगल है, आप देख लीजिएगा इसको। इन्होंने नंबिकवारा क्वाहिप ट्राइब का अध्ययन किया है, नंबिकवारा क्वाहिप जनजातियों का अध्ययन किया है। सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी और फील्ड ऑफ प्रोविंस ऑफ इंक्वायरी और फील्ड ऑफ स्टडी, ये भी क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने कहा है कि सामाजिक संरचना अध्ययन का क्षेत्र नहीं है या अध्ययन का प्रांत नहीं, ठीक, जांच का प्रांत नहीं है। ह्यूमन माइंड इज स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सली, ठीक, मानव मन सार्वभौमिक रूप से संरचित है, ये भी क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने कहा है, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी से जुड़े हैं क्लॉड लेविस्ट्रॉस। ठीक, क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को ये क्रिटिसाइज करते हैं, आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं। इन्होंने मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन इशूज का अध्ययन किया है ग्राफिकल मेथड के जरिए, ठीक, चित्रात्मक पद्धति के माध्यम से विवाहित और अविवाहित महिलाओं के मुद्दों का अध्ययन किया है। ठीक, फ्लोटिंग सिग्निफायर की बात करते हैं ये, ठीक। उसके बाद आता है लैंग्वेज एंड पैरोल, भाषा और पैरोल की बात करते हैं क्लॉड लेविस्ट्रॉस। फिर हम लोगों ने बुक देखा है, ठीक, तो बुक आप देख लीजिएगा एक बार, क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है बुक से, तो जितनी भी बुक्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग को रेडी रहना है। 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए, अगर क्वेश्चन ए का 3 सही है तो आप थ्री का ए सही है, ए का 3 नहीं, 3 का ए सही है, तो इस तरह से आप आंसर करेंगे 3A, ताकि मैं मतलब यहाँ पे पता चल पाए मुझको कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ठीक, सो बी रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। हु इंट्रोड्यूस्ड लेविस्ट्रॉस टू द मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, इंट्रोड्यूस्ड लेविस्ट्रॉस टू द मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, लेविस्ट्रॉस को संरचनावाद की पद्धति से किसने परिचित कराया है, यह आंसर करना है आपको फर्स्ट, और जितने लोग जुड़े हैं सबको आंसर करना है। फर्स्ट आंसर करिए, आंसर फास्ट।
हु इंट्रोड्यूस लेवी स्ट्रॉस टू द मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. लेवी स्ट्रॉस को संरचनावाद की पद्धति से किसने परिचित कराया है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रोमन जैकबसन. हु इंट्रोड्यूस लेवी स्ट्रॉस टू द मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? रोमन जैकबसन. लेवी स्ट्रॉस को संरचनावाद की पद्धति से किसने परिचित कराया है? रोमन जैकबसन. नेक्स्ट, व्हाट वाज द डोमिनेंट थ्योरी इन किन्सिव स्टडीज बिफोर लेवी स्ट्रॉस अलायंस थ्योरी? लेवी स्ट्रॉस के अलायंस थ्योरी से पहले कौन सी डोमिनेंट थ्योरी थी जो किन्सिव स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज की जाती थी? यानी कि लेवी स्ट्रॉस ने उस थ्योरी के बजाय एक नई थ्योरी दी किन्सिव स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, जिसके बारे में हमको पता है अलायंस थ्योरी. ठीक, लेकिन इससे अलायंस थ्योरी से पहले, अलायंस थ्योरी से हम लोग अभी किन्सिव सिस्टम को स्टडी करते हैं, लेकिन इससे पहले कौन सी ऐसी थ्योरी थी जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी किन्सिव सिस्टम को स्टडी करने के लिए? सो व्हाट वाज द डोमिनेंट थ्योरी इन किन्सिव स्टडीज बिफोर लेविस्ट्रॉस अलायंस थ्योरी? लेविस्ट्रॉस के गठबंधन सिद्धांत से पहले रिश्तेदारी अध्ययन में प्रमुख सिद्धांत क्या था? आंसर फर्स्ट, फर्स्ट आंसर करना है आपको. लेवी स्ट्रॉस के गठबंधन सिद्धांत से पहले रिश्तेदारी अध्ययन में प्रमुख सिद्धांत क्या था? वंश सिद्धांत, गठबंधन सिद्धांत, रिश्तेदारी विनिमय सिद्धांत, रिश्तेदारी वर्गीकृत सिद्धांत. डिसेंट थ्योरी, अलायंस थ्योरी, किनशिप एक्सचेंज थ्योरी, किनशिप क्लासिफिकेशन थ्योरी. फास्ट आंसर करना है सारे लोगों को. जितने लोगों ने ज्वाइन किया है सब लोग आंसर करें. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिसेंट थ्योरी. एक अलायंस थ्योरी से पहले कौन सी थ्योरी थी? डिसेंट थ्योरी. What was the dominant theory in kinship studies before Lévi-Strauss alliance theory? So it is descent theory. Lévi-Strauss के गठबंधन सिद्धांत से पहले रिश्तेदारी अध्ययन में प्रमुख सिद्धांत जो था वो था वंश सिद्धांत. Next question, that is question number 3. What did Lévi-Strauss argue about social structure in his essay? Social structure के बारे में अपने essay में Lévi-Strauss ने social structure के बारे में क्या कहा है? It is an empirical entity, it is a province of inquiry, it is a model, it is a static entity. हम लोग पढ़ चुके हैं इसको. लेविस्ट्रॉस ने अपने निबंध में सामाजिक संरचना के बारे में क्या तर्क दिया है? ये एक अनुभवजन्य इकाई है, ये जांच का प्रांत है, ये एक मॉडल है, या ये एक स्थिर इकाई है? आंसर फास्ट. पांच क्वेश्चन है, तीसरे पे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. व्हाट डिड लेविस्ट्रॉस आर्ग्यू अबाउट social structure in his essay? It is an empirical entity, it is a province of inquiry, it is a model, it is a static entity. So Lévi-Strauss says that social structure is a model. सामाजिक संरचना क्या है? एक मॉडल है. प्रोविंस ऑफ इंक्वायरी को उन्होंने मना किया है कि ये प्रोविंस ऑफ
इंक्वायरी नहीं है, ये एम्पिरिकल एंटिटी नहीं है, इट इज नॉट अ स्टैटिक एंटिटी। ठीक, तो ये तीनों नहीं है, इट इज अ मॉडल। ये अनुभवजन इकाई है ऐसा नहीं है, ये जांच का प्रांत है, इसको भी मना किया है क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने। ये एक स्थिर इकाई है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ये एक मॉडल है। ये क्या है? एक मॉडल है। सी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द टाइटल ऑफ लेविस्ट्रॉस वर्क ऑन किनशिप? लेविस्ट्रॉस का जो किनशिप पे वर्क था उस बुक का क्या टाइटल था? हम लोग पढ़ चुके हैं उसको, रिश्तेदारी पर लेविस्ट्रॉस के काम का शीर्षक क्या था? द सेवेज माइंड, एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रक्चरल, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ले टोटेमिशन। सेवेज माइंड, एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रक्चरल, रिश्तेदारी की प्राथमिक संरचनाएं, ले टोटेमिशन। वैसे बुक का नाम सेम होगा, तो सेवेज माइंड, एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रक्चरल, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ले टोटेमिशन, ये हिंदी में भी होगा। आंसर फर्स्ट, so the answer for this question is C, that is the elementary structure of kinship. अभी हम लोगों ने बुक में देखा है, ठीक है, एलिमेंट्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप होगा। यहाँ पे देखिए बुक में हम लोगों ने क्या देखा है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द अलायंस थ्योरी? किसने जो है अलायंस थ्योरी दिया है? ठीक, तो इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही दिया है, बाकी आपको पता ही होगा इसका आंसर। फर्स्ट आंसर करिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द अलायंस थ्योरी? निम्नलिखित में से किसने गठबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आंसर फर्स्ट, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्लॉड लेविस्ट्रॉस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक, लेकिन जब ये एग्जाम में आता है तो आपको याद नहीं रहता, क्योंकि अभी हम लोग क्लॉड लेविस्ट्रॉस को ही पढ़े हैं, अलायंस थ्योरी ही पढ़े हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जा रहा है इसका, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे याद नहीं रहता। सो इसके लिए आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और जो भी PDF अपलोड होती हैं उसको आपको बार बार रिपीटेडली पढ़ना है, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं आप दूसरे दिन पूछ सकते हैं। PDF सारी अपलोड हो चुकी हैं, जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं सारी PDF अपलोडेड हैं, आप लोग चेक कर लीजिए उसको। डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही हो, PDF ओपन होने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बता दिया करिए मुझे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी जो भी क्वेश्चन आपके हैं वो कर सकते हैं आप, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है, लीव करते हैं फिर क्लास। थैंक यू वेरी मच।
हैव अ नाइस डे।